फर्स्ट ऑप्शन यहां पर आ रहा है डिटेल डेमोग्राफिक्स। डेमोग्राफिक्स एंड डिटेल डेमोग्राफिक्स में क्या फर्क है? डेमोग्राफिक्स ऊपर ऊपर जेंडर एज हाउस होल्ड इनकम, डिटेल डेमोग्राफिक्स में पेरेंट है कि नहीं है और कितने साल का बच्चा है। 0 से 1 ईयर का बच्चा है ऐसे ऑडियंस, ठीक है, 1 से 3 साल, 4 से 5 साल, 6 से 12 साल एंड 13 से 17 साल। बताओ किसको टारगेट करें? 0 से 1 मतलब रिसेंटली बच्चा हुआ है, ठीक है, उनको दिखाना चाहते हो। हम कुर्ता का ऐड कर रहे थे, दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, दिखा सकते हैं। लेकिन इसके लिए अगर वो जो होता है ना न्यू बॉर्न बेबी वाले ड्रेसेस होते हैं या फिर प्रेगनेंसी वाले ड्रेसेस होते हैं, अलग से गाउन्स होते हैं, वो वाले ज्यादा इनके लिए सही रहेगा प्रोडक्ट, है ना। और क्या हो सकता है? डायपर्स इनको दिखा सकते हो आप एड्स, तो डायपर्स वाले हगीज वाले का ये ऑडियंस है, टारगेट है, ठीक है, टीजी है। इसके बाद 1 से 3 साल डायपर्स वाले तो है ही है, टॉयज वगैरह दिखा सकते हो। इसके ऊपर 4 से 5 साल अभी स्कूल वाले ऐड दिखा सकते हो, 6 से 12 साल और कुछ दिखा सकते हो, 13 से 17 साल लैपटॉप वगैरह दिखाना चालू कर दो, फोन्स दिखाना चालू कर दो। ये ऐसा आपको ऑडियंस सेगमेंट मिल रहा है। अब ये जो जो ऐड करोगे आप, यहाँ बढ़ेगा ऑडियंस, ठीक है, यहाँ बढ़ेगा ऑडियंस, कम नहीं होगा, ओके, ऐसे। सेकेंड क्या है? एफिनिटी। डिटेल डेमोग्राफिक्स में और क्या देखते हैं ना, मैरिटल स्टेटस भी है, सिंगल, इन रिलेशनशिप एंड मैरिड, सही है। इन ऑडियंस को क्या एड्स दिखाओगे सही रहेगा? एग्जांपल देख रहे हैं, किसके लिए ऑडियंस है ये? बता सकते हो? अरे ये तो कुर्ते के लिए आप बता रहे थे। मतलब अभी जो आपने बताया था कुर्ते के लिए एग्जांपल दिया था, किसके लिए? कुर्ता के लिए लिया था, है ना, कुर्ता के लिए। अलग 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 कॉन्टेक्स्ट में देख लेते हैं, मतलब क्या होगा आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू मिलेगा। अब सिंगल ऐड करना, अब सिंगल लोग जिन, अब इसको पहले तो ये बताओ गूगल को सिंगल है कि नहीं, कैसे पता गूगल ने कहां से ट्रैक किया है सिंगल है? सर हम डिटेल्स डालते हैं गूगल प्रोफाइल में, हम डिटेल्स ऐड करते हैं। सिंगल भी, सिंगल नहीं डालते हम, डालते हो आप? गूगल पे तो जीमेल तो नहीं पूछता सिंगल है या मैरिड, करेक्ट, तो लेता कहाँ से? ये सोशल नेटवर्क इसके पास है नहीं, गूगल के पास कहाँ सोशल नेटवर्क है? सोशल नेटवर्क में बहुत बकवास है ना, गूगल बनाने की कोशिश की, बना नहीं, ऑर्कुट बंद हो गया, गूगल प्लस बंद हो गया, नहीं बना पा रहा है। अब कहाँ से ले रहा है डिटेल्स, बता सकते हो? सर्च हिस्ट्री से सिंगल है कि नहीं कैसे पता चलेगा? मतलब जो उस टाइप के सर्चेस कर रहे हो सिंगल हो सकते हैं ऐसा? वो तो मैरिड भी लोग कर सकते हैं, करेक्ट। दूसरे ऐप से डेटा निकालेगा, फेसबुक से? फेसबुक नहीं देगा या दे भी सकता है, प्ले स्टोर डेटा से हो सकता है सर, प्ले स्टोर या किसी ऐप को इंस्टॉल करने के बाद वो तो अपना एनालिटिक्स वगैरह सेटअप करेगा ना। सपोज मैं इंजीनियर्स एकेडमी हूँ, मेरे पास कस्टमर आ रहे हैं, मेरे पास रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ उनको आप सिंगल हो, मैरिड हो, क्या हो, और ये डेटा मैं एनालिटिक्स या गूगल एड्स को भी दे रहा हूँ, क्योंकि मैं तो अभी कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड डालूंगा, एनालिटिक्स का कोड डालूंगा, वहां पर एडवांस ऑटो मैचिंग कर दूंगा, ऑटो मैच कर लूंगा, मेरा डेटा गूगल के डेटा से मैच करने का ऑप्शन दे दूंगा, तब हो सकता है। अभी तो वैसे ही लग रहा है, अभी तो वैसे ही लग रहा है, तो ये वो हो सकते हैं, ठीक है। किसी भी तरह ट्रैक तो कर लिया फेसबुक में, तो और डिटेल में मैरिटल स्टेटस या रिलेशनशिप स्टेटस मिलेगा आपको, कॉम्प्लिकेटेड मिलेगा, ओपन मिलेगा, है ना, अभी निकल गए बहुत सारे, पहले ओपन रिलेशनशिप भी था, कॉम्प्लिकेटेड भी था, और क्या था, एक सिविल यूनियन था वो भी निकल गया, डिवोर्स्ड है, सेपरेटेड है, इतना डेप्थ में ऐसे क्यों, इतना डेप्थ में क्यों डाल रहा है?
एक तो ये लेजेंड लोग हैं जो बता रहे हैं फेसबुक पे मेरा रिलेशनशिप स्टेटस है ओपन, ओपन रिलेशनशिप में हूं, मतलब मेरी दो गर्लफ्रेंड है, दोनों गर्लफ्रेंड को पता है मेरी दो गर्लफ्रेंड है, उन ऐसा रिलेशनशिप, ऐसे कौन लेजेंड लोग हैं? है तो लेजेंड, खतरनाक आदमी है ना। सिंगल वाले तो बहुत भर भर के पड़े, यहां पर कहीं तो ये निकाल रहा है कहीं से पता है इसको, ठीक है। सो इन रिलेशनशिप वालों को ऐड करनी है, सिंगल वालों को ऐड करनी है, इस तरह से आप ऑडियंस दे। अगर आपकी आपका जो बैनर है, आपका जो वीडियो है या बैनर है, वीडियो ऐड में भी सेम टारगेटिंग ऑप्शन होता है, इवन परफॉर्मेंस मैक्स में भी सेम ऑडियंस ऑप्शन होगा, वहां ऑडियंस सिग्नल बोलेगा बट ऑप्शन यही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम डिटेल में सीख रहे हैं, आगे जो जो कैंपेन्स होंगे आप उसमें ऑडियंस सेगमेंट अपना बनाओगे, या फिर जो पर्सनल पर्सनालिटी क्या बोलते हैं अपना बायर पर्सोना टारगेटिंग है, वैसे अपना पर्सोना सिलेक्ट करके ऐड करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक रास्ते पे कुछ गाने लगे हैं, ठीक है, तो डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो यहाँ पर अभी सिंगल सिलेक्ट करके क्या करें, ये छोड़ दो, ये तो होने ही वाला है, कुर्ता का होने ही वाला है, और किसको ऐड दिखाओगे? बैनर में कोई सिंगल होना चाहिए, सिंगल को जो अच्छा लगता है वो चीज होनी चाहिए, तभी अटेंशन होगा, तभी अटेंशन देंगे, है ना। सिंगल या टीनेजर्स 15 से 20 साल के बच्चे अपने घर वालों को अटेंशन नहीं दे रहे हैं, समझ रहे हो। बाहर अटेंशन किस चीज को दे रहे हैं वो आपको बैनर में दिखाना होगा, वो कॉपीराइटिंग का आपका प्लान होना चाहिए, स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ठीक है। सबसे महंगी चीज या सबसे रेयर चीज हो गया अटेंशन लेना, अटेंशन लेना बहुत मुश्किल हो गया आजकल, ठीक है। अभी नीचे आता है एजुकेशन, कॉलेज स्टूडेंट ही है, हाईएस्ट स्कूल ग्रेजुएट है, बैचलर डिग्री है, एडवांस डिग्री है, ओके ये सब आता है, ये सब आ रहा है डिटेल डेमोग्राफिक्स में, मतलब किसी तरह इसको पता है कि आप कॉलेज में जा रहे हो, किसी तरह इसको पता है कि आप कॉलेज स्टूडेंट हो। ये चीज आपको इंटरेस्ट में भी मिल सकती है ना, इंटरेस्ट में भी है ना, यहाँ पर लाइफ इन मार्केट या फिर एफिनिटी में भी होगा, कॉलेज वगैरह कुछ होगा यहाँ पर, है ना। मुझे बताओ इंटरेस्ट लेना इन कॉलेज एंड कॉलेज में होना में फर्क है ना, करेक्ट। अगर मैं क्लासेस के ऐड दिखा रहा हूं, जैसे मैं इंजीनियरिंग मैथ्स के क्लासेस लेता हूं, मुझे ऐड दिखानी है, वो यहां पर इन कॉलेज होना चाहिए डेमोग्राफिक्स में, करेक्ट, या इंटरेस्ट इन इंजीनियरिंग होना चाहिए, वो इंजीनियर होना चाहिए सच में कि इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट लेने वाला होना चाहिए। यूजुअली क्या करते हैं ना सोशल मीडिया में, तो बहुत गलतियां करते हैं लोग, ढूंढ लेते हैं यहाँ पर इंटरेस्ट में सीधा सीधा, हाँ यहाँ पर ढूंढ लेते हैं इंजीनियरिंग। अब इंजीनियरिंग यहाँ पर इंटरेस्ट या एफिनिटी में कहीं पर ऑप्शन आएगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो इंजीनियरिंग कर रहा है, ठीक है। तो डेमोग्राफिक्स में और इंटरेस्ट में ये फर्क है। जैसे मैं जेम्स वेब टेलीस्कोप में इंटरेस्ट रखता हूँ, किसी को नहीं पता होगा तो एक टेलीस्कोप भेजा है हमने स्पेस में, ओके वो बहुत अच्छे अच्छे इमेजेस भेज रहा है, यहाँ पर डाल सकते हो आप लेटेस्ट इमेजेस, ओके और इससे अच्छे इमेजेस आज तक हमें नहीं मिले, ओके ये सारे इमेजेस भेज रहा है, देखो है ना, ओके ये गैलेक्सीज के है, ये गैलेक्सीज के इमेजेस है, ठीक है, ये कोई स्टार फूटा है या फिर फूटने वाला है उसके इमेजेस है, ये सारे इमेज देखो मस्त है ना। तो मैं इसमें इंटरेस्ट ले रहा हूँ, इसका मतलब मैं कौन हूँ, मैं नासा में काम करता हूँ क्या, ऐसा नहीं होता। तो इंटरेस्ट एंड डेमोग्राफिक्स में ऐसे फर्क आपको समझना पड़ेगा, सेम यहाँ भी सोशल मीडिया में भी। अब आते हैं एफिनिटी, और कुछ है क्या इसमें, एजुकेशन हो गया, होम ओनरशिप स्टेटस, ये शायद उसने 99 acres वगैरह से उठाया होगा, है ना, जो रेंट के लिए ढूंढ रहे हैं वो, या जो ऑलरेडी घर है उसके।